दोस्तों अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नागपुर में खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज किया था और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया WTC पॉइंट टेबल के रैंक 1 पर पहुंच गया था। लेकिन टीम इंडिया का ये रैंक केवल 6 घंटे के लिए था। इसके बाद टीम इंडिया नंबर 2 के पोजीशन पर चल गया, ऑस्ट्रेलिया टीम वापस नंबर 1 पर आ गया। आखिरकार दोस्तों कैसे टीम इंडिया का नंबर 1 का ताज छिन गया और दूसरे नंबर पर चल गया, आपको कंप्लीट बताएंगे। साथ ही इस WTC पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की स्थिति क्या है और सभी देशों के WTC पॉइंट टेबल का रैंक कितनी है, कंप्लीट आपको बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कौन में अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में मिली जीत के बाद टीम इंडिया ICC के टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई थी। लेकिन ICC ने इस रैंकिंग को जारी करने के 6 घंटे बाद ही टीम इंडिया का बड़ा झटका दे दिया। ICC ने जारी किए गए नए रैंकिंग में टीम इंडिया को पहले स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया और ऐसे ही सिर्फ 6 घंटे के ही अंदर हो गया। भारत के लिए बड़ा नुकसान है क्योंकि टीम इंडिया ने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर जाते ही एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया था। आपको बता दें कि दोपहर में जारी हुई नई टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया पहले स्थान पर थी। इस स्थान को हासिल करने में भारत दूसरी ऐसी टीम बन गई थी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर मौजूद था। इससे पहले साल 2016 में साउथ अफ्रीका की टीम ने यह कारनामा करके दिखाया था। लेकिन ICC ने 6 घंटे बाद ही एक नई रैंकिंग जारी करते हुए भारत को दूसरे और ऑस्ट्रेलिया को पहले स्थान पर कर दिया। बुधवार को दोपहर में आई रैंकिंग में टीम इंडिया का स्थान 132 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर थी। वही कंगारू टीम 111 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी। लेकिन रात में आई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम 126 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई और भारतीय टीम 115 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत के अलावा लगभग सभी टीमों की रैंकिंग में बदलाव किए गए हैं। इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है तो लेकिन उनके रेटिंग अंक 106 से 107 हो गए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम पांचवें से चौथे स्थान पर पहुंच गई है और न्यूजीलैंड की टीम चौथे से पांचवें पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों सभी देशों के WTC पॉइंट टेबल की बात की जाए तो सबसे लास्ट में जिम्बाब्वे की टीम आती है जो कि 27 रेटिंग और 247 पॉइंट के साथ 10वें स्थान पर है। इसके बाद बांग्लादेश की टीम आती है जो कि 46 की रेटिंग और 1161 की पॉइंट टेबल के साथ 9वें स्थान पर मौजूद है। उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम जो कि 78 रेटिंग और 24 से 15 पॉइंट्स के बाद नंबर 8 के पोजीशन पर है। उसके बाद श्रीलंका की टीम आती है जो कि 88 रेटिंग और 22 से 82 पॉइंट्स के बाद 7वें पोजीशन पर है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी रेटिंग 88 है और पॉइंट्स की बात करें तो 26 से 38 के साथ वो 6ठे स्थान पर स्थित है। और पाकिस्तान के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम आती है जिसकी रेटिंग 99 और पॉइंट्स की बात करें तो 29 से 65 के साथ वो 5वें स्थान पर स्थित है। इसके बाद साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो 102 रेटिंग और 29 से 52 पॉइंट्स के साथ वो 4थे स्थान पर स्थित है। इसके ऊपर आती है इंग्लैंड की टीम जिसकी रेटिंग 107 की है और 5 पॉइंट्स के साथ वो तीसरे स्थान पर स्थित है। वहीं दोस्तों इंडिया की बात करें तो 115 की रेटिंग और 3690 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे पोजीशन पर स्थित है। वहीं इस WTC पॉइंट टेबल में टॉप 1 की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है जिसकी रेटिंग 126 है और पॉइंट्स की बात करें तो 3668 के साथ वो नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ी है। भले ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स में कम है और रेटिंग में ज्यादा है, वहीं इंडिया की टीम पॉइंट्स में ज्यादा है और रेटिंग में कम है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 का ताज मिला और इंडिया को नंबर 2 का ताज मिला। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस टेबल में इंडिया का पोजीशन 1 होना चाहिए, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।